गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के सवाल देखेंगे जो कि जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए ये सवाल आपको दो तीन जगह पे पूछा जाएगा, फंक्शन में पूछा जाएगा आपको, ये सवाल मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा, ये सवाल आपको कहाँ पे डिफेंसिबिलिटी में पूछा जाएगा। बेटे देखो ये जो सवाल है 2013 के एडवांस में आया हुआ है, 2013 जेई एडवांस। ओके गाइस देखिए ये जो आपका सवाल है 2013 के एडवांस में पूछा गया है। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो बेटे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका ग्राफ आपको प्लॉट करने आना चाहिए, समझ रहे ना। जब तक कि इसका ग्राफ आपको प्लॉट करने नहीं आएगा आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए मॉड के अंदर में सब कैसे फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। क्योंकि बेटे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर वन, एक्स का हाईएस्ट पावर वन, एक्स का हाईएस्ट पावर वन। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल आएगा और आपसे पूछा है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कीजिएगा, पहले इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। जब तक आप इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कीजिएगा तब तक इसका आंसर आपसे सही एक्यूरेट नहीं निकलने वाला है। और भाई साहब इस टाइप के सवाल अक्सर जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। ये आपका जेई एडवांस 2013 का सवाल है, जेई एडवांस है बेटे, ये जेई एडवांस 2013 में ये पूछे गए वाला सवाल है। तो इस टाइप के सवाल अक्सर आपको कंपटीशन में मैक्सिमा मिनिमा से पूछा जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो दिखाता हूं आपको, सुनिए अब आराम से देखते चलिएगा, कहीं पे दिक्कत होगा तो पूछिएगा। सबसे पहले आपको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट से, सबसे पहले आपको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट से। तो बेटे क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, मॉड के अंदर वाले को जीरो कीजिए, तो एक्स को जीरो किए बराबर है ना, इसको मॉड के अंदर में जीरो, उसके बाद एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू बराबर है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बेटे ये एक मॉड यहाँ पे भी है, तो मॉड के अंदर वाले को जीरो, तो एक्स प्लस टू का मॉड माइनस है, टू इंटू एक्स का मॉड इज इक्वल टू जीरो। तो भाई साहब एक्स प्लस टू का मॉड इज इक्वल टू टू इंटू कितना हो जाएगा मॉड एक्स राइट ना। अब भैया यहाँ से देखो अब मॉड को हटाएंगे, देखो अगर मॉड हटेगा तो क्या होगा प्लस माइनस, सिंपल सी बात है मॉड हटता है तो क्या होगा बेटे प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा टू एक्स है। अब देख बेटे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक बार लेते हैं प्लस टू एक्स है, तो यहाँ पे टू इज इक्वल टू कितना टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना जाएगा एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया बेटे टू के बराबर। उसके बाद यहाँ से माइनस देख यहाँ पे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू एक्स है, बेटे इसको इधर कर दे तो टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री माइनस थ्री बाय टू, एक्स इज इक्वल टू कितना नहीं माइनस टू बाय थ्री। तो अब बता बेटे क्रिटिकल पॉइंट टोटल कितने आ गए हैं, देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, देख बेटे अगर हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट तो एक्स इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं जीरो, देख बेटे सबसे पहले माइनस टू फिर जीरो फिर क्या आ गया बेटे माइनस टू बाय थ्री भी आ गया, यहाँ पे ले लो माइनस टू बाय थ्री जीरो और कितना आ गया बेटे टू, एक देखो यहाँ पे कहाँ गया एक यहाँ पे टू भी आया है तो ये आ गया टू। तो देख बेटे टोटल क्रिटिकल पॉइंट कितने निकल गए चार। अब आप क्या कीजिए ये चारों क्रिटिकल पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालिए एक एक करके। चल बेटे एफ ऑफ क्या करो एफ ऑफ माइनस टू, तो एफ ऑफ माइनस टू बेटे एक्स की जगह पे माइनस टू पुट कर दो यहाँ पे कितना हो जाएगा टू, मॉड के अंदर में माइनस टू, मॉड का मतलब निगेटिव का मतलब पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा चार। अब देख बेटे माइनस टू प्लस टू ये हो जाएगा जीरो, उसके बाद देख बेटे माइनस मॉड माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस है बेटे ये हो जाएगा टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर, तो ये हो जाएगा फोर। अब चल बेटे तो यहाँ पे चार, अब ये देख माइनस है मॉड के अंदर में निगेटिव का मतलब पॉजिटिव, ये हो जाएगा जीरो के बराबर। ओके अब एक काम कर एफ ऑफ माइनस टू बाई थ्री पे निकाल, चल बेटे यहाँ पे देख टू इंटू टू बाई थ्री कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री, अब ये बता माइनस टू बाई थ्री प्लस टू राइट ना, देख बेटे यहाँ पे कर दे माइनस टू बाई थ्री प्लस कितना हो जाएगा टू माइनस है, यहाँ पे देख बेटे माइनस और टू बाई थ्री प्लस कितना हो जाएगा टू माइनस है,
यहाँ पे -2/3 निगेटिव का मतलब सॉरी मॉड के अंदर में निगेटिव का मतलब पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4/3 पूरे का मॉड। चल बेटे एफ ऑफ -2/3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस है, यहाँ पे बता दे बेटे ये कितना हो जाएगा 6 -2 कितना हो जाएगा 4/3 माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 माइनस कितना हो जाएगा 4/3 ये दोनों कट जाएगा 0। तो बेटे ये बताओ 4/3 कितना हो जाएगा 8/3 कितना हो जाएगा 3। तो बेटे -2/3 पे निकल गया। ओके चलो भैया अब 0 पे निकाल लो, एफ ऑफ 0 पे निकाल ले बेटे 0 पे। तो बेटे 0 पे ये 0 हो जाएगा, ये +2 देख बेटे ये +2 प्लस है यहाँ बता सॉरी माइनस है यहाँ पे देख 0 + 2 कितना हो जाएगा बेटे 2 उसके बाद देख ये हो जाएगा 0। तो बेटे ये बता यहाँ पे 2 - 2 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 पे निकाल ले बेटे एफ ऑफ 2 पे निकाल ले, निकालो ना ये देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, उसके बाद क्या करोगे 2 + 2 = 4 ये भी हो जाएगा 4। ओके उसके बाद 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4 माइनस है 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो बेटे ये बताओ 4 + 4 = 8 और ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 1। अब तुम एक काम और करो सुनो, इनमें जो सबसे छोटा वैल्यू कौन है बेटे -2 से पहले एक और छोटा वैल्यू ले लो। तो बेटे -2 से छोटा क्या लेंगे -3, तो एफ ऑफ -3 पे निकालो कितना हो जाएगा 6 है, उसके बाद -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, तो -1 का मॉड +1 बेटे माइनस है ये बताओ -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, तो -1 का मॉड +1 ये हो जाएगा +1 उसके बाद ये हो जाएगा 6, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 6 है। तो बेटे ये बताओ 6 और 1 = 7 है और यहाँ पे 1 - 6 - 5 तो 7 - कितना बोल बेटे 7 - जल्दी बता 7 - कितना 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के बराबर राइट ना। चलो अब ये बताओ अब 2 से बड़ा वैल्यू लो 3, तो एफ ऑफ 3 पे निकाल लो जो सबसे बड़ा वैल्यू है उससे एक बड़ा वैल्यू ले लो, तो 3 पे निकाल लो कितना हो जाएगा 6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस है बेटे ये बता 3 + 2 = 5 ये बता बेटे ये हो जाएगा 5 माइनस है 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ये बता 11, तो 11 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। चल बेटे अब देख हमने सबसे पहले क्या निकाला क्रिटिकल पॉइंट निकाला और उसके बाद जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकले उन सभी क्रिटिकल पॉइंट पे ये फंक्शन का वैल्यू निकाला। अब बेटे जब सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू हमने निकाल लिया तो लास्ट में आपको 2 एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट पे जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे छोटा वैल्यू ले लीजिए और जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसका उससे एक बड़ा वैल्यू ले लीजिए कोई भी। तो हमने -2 से छोटा वैल्यू लिया -3 और 2 से बड़ा वैल्यू लिया 3 उस पे भी वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, देखिए ध्यान से ग्राफ प्लॉट कीजिए फिर अपने आप पता चल जाएगा कि लोकल मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा लोकल मिनिमा कहाँ पे मिलेगा। चल बेटे बोर्ड पे ध्यान देना ध्यान से देखो अब हम बात करेंगे ध्यान से देखो सब लोग अच्छे तरह से देख भाई अच्छे तरह से समझ लेना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इधर में निगेटिव आई एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन। चल बेटे वाई पे मैक्सिमम कहां तक गया 10 तक गया, चलो 10 ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाई हो गया। बेटे एक्स पे कहां गया -2 उस पर -3 है तो बेटे यहाँ पे ले लो पहले क्या ले लो -1 उसके बाद ले लो -2 उसके बाद ले लो -3 उसके बाद देख बेटे यहाँ पे 1 हो गया फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया फिर 4 हो गया। चल अब ये बता x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू कितना बेटे 0। अब ये बता x का वैल्यू -2 पे y का वैल्यू कितना बेटे 0 ये वाला पॉइंट आ गया x का वैल्यू -2 पे y का वैल्यू 0। उसके बाद देख बेटे -2/3 तो -2/3 कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा बेटे -0.666 है इसका मतलब 0 और 1 के बीच में सुनना देख यहाँ पे तो 0 और 1 के बीच में कहीं पे आएगा तो बेटे -2/3 पे कितना रहा 8/3 कहने का मतलब 2 से ज्यादा थोड़ा सा
तो दो से ज्यादा कुछ यहाँ पे आएगा बेटे, तो इसको इस तरह से यहाँ पे लोकेट कर दो। तो चलो ये वाला पॉइंट आ गया, ओके। उसके बाद देखो जीरो पे बेटे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखना एक्स का वैल्यू जीरो पे, वाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो पे, वाई का वैल्यू जीरो यहाँ पे आ रहा है। ध्यान से देखना यहाँ पे, चलो। उसके बाद दो पे कितना आ रहा है बेटे, आठ। देख बेटे दो पे कहाँ जा रहा है, आठ पे, ओके चलेगा। दो पे कहाँ जा रहा है बेटे, आठ पे। दो पे कहाँ जा रहा है बेटे, आठ पे। उसके बाद देख बेटे दो पे कहाँ जा रहा है, आठ पे। माइनस तीन पे कहाँ जा रहा है, दो। माइनस तीन पे कहाँ जा रहा है बेटे, दो पे। जरा ध्यान देख यहाँ पे, ध्यान देना, माइनस तीन पे कहाँ जा रहा है बेटे, दो पे। ये वाला पॉइंट, चलो राइट। उसके बाद देखो तीन पे कहाँ जा रहा है बेटे, तीन पे दस पे जा रहा है। तो तीन पे दस पे कर दो यहाँ पे, तीन पे कहाँ जा रहा है गाइस, देखो ध्यान से, तीन पे कहाँ पे आ रहा है, दस पे आ रहा है, ओके। तो ये दस पे, अब देखो यहाँ पे क्या करो, इसको लीनियर ज्वाइन कर दो। तो बेटे ये वाला एक पॉइंट हुआ, तो देखो पहले यहाँ से यहाँ आ गए, फिर बेटे इधर से इधर आ गए, फिर यहाँ से इस तरह से आ गए, फिर डायरेक्ट बेटे यहाँ से पहुंच गए ऐसे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन कर दो, फिर भाई साहब यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो। तो देख बेटे ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। किसका, जो आपको मैंने सवाल दिया था उस फंक्शन का, ये क्या बन गया, ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे अब पता करना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे पता करेंगे। तो सुनिए अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ होगा। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरह से समझिएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सवाल है, समझने वाला है। एक ग्राफ आप समझ गए तो आपका काम हो गया। चल बेटे अब देख माइनस टू के पहले, देख माइनस टू के पहले वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और माइनस टू के आगे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटे इसका मतलब अगर देखिए इस पॉइंट के पहले अगर वैल्यू बढ़ रहा है और इस पॉइंट के आगे भी वैल्यू बढ़ रहा है, सुन लीजिए, इस पॉइंट के पहले वैल्यू बढ़ रहा है और इस पॉइंट के आगे वैल्यू बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी किसी भी ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट के पहले और क्रिटिकल पॉइंट के आगे अगर वैल्यू बढ़ता है तो समझिए कि क्रिटिकल पॉइंट पे आपको क्या प्राप्त होगा, लोकल मिनिमा। क्या प्राप्त होगा, लोकल मिनिमा। तो देखिए ना माइनस टू के पहले भी वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बराबर है ना। माइनस टू के पहले वैल्यू बढ़ रहा है, माइनस टू के आगे वैल्यू बढ़ रहा है। तो बेटे ये बताओ कि यहाँ पे माइनस टू पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, ओके। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या था बेटे, माइनस टू बाई थ्री। ये वाला पॉइंट क्या था, माइनस टू बाई थ्री। तो जरा ध्यान से देखिए, सुनिए, इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अब इस पॉइंट के पहले देखिए वैल्यू घट रहा है, इस पॉइंट के आगे वैल्यू घट रहा है। तो ध्यान रखिएगा अगर क्रिटिकल पॉइंट के आगे और पीछे फंक्शन का वैल्यू अगर घटता है तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। तो बेटे ये आपका लोकल मिनिमा हो गया, ये आपका लोकल मैक्सिमा। फिर जीरो पे आ जाइए, तो बेटे यहाँ पे देखो जीरो पे, जीरो के पहले वैल्यू बढ़ रहा है, जीरो के आगे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जीरो पे भी आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। तो देख बेटे यहाँ पे अब हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे। तो लोकल मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा, एट, बोल बेटे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। और बेटे लोकल मिनिमा की बात करेंगे, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे, माइनस टू और जीरो पे। तो लोकल मिनिमा कहाँ मिलेगा, माइनस टू और जीरो पे। बात समझ आ रहा है, तो देख बेटे यहाँ पे समझ ले बढ़िया से कि माइनस टू और जीरो पे हमें क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा, और बेटे माइनस टू बाई थ्री पे क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। सुन रहे बात, तो देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम ग्राफ में कैसे पता कर रहे हैं, तो बेटे क्रिटिकल पॉइंट के पहले और क्रिटिकल पॉइंट के आगे फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है यही हम देखेंगे। अगर क्रिटिकल पॉइंट के पहले और क्रिटिकल पॉइंट के आगे अगर फंक्शन का वैल्यू घट रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। और बेटे क्रिटिकल पॉइंट के पीछे और क्रिटिकल पॉइंट के आगे अगर फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, बराबर है ना।
तो क्रिटिकल पॉइंट के आगे पीछे देखना है, बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और क्रिटिकल पॉइंट के आगे पीछे क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो बेटे क्या होगा, लोकल मिनिमा। तो यही है, ध्यान रखिएगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा और कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मिनिमा। और ये ध्यान में रखिएगा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे ही आएगा और बीच में कहीं पे नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये सवाल था 2013 का जेई एडवांस का। आइए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लिख बेटे नेक्स्ट सवाल, और यहाँ पे ध्यान देना, कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछते चलना। चल दूसरा सवाल लेंगे, सेकंड सवाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ले बेटे यहाँ पे ले 3 इंटू, यहाँ पे एक्स माइनस कितना है बेटे 1, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे देख बेटे एक्स माइनस 3। ओके चलो, सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। देख बेटे, सबसे पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा। तो मॉड के अंदर वाले को जीरो कर देना, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। चल बेटे, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। चल बेटे एफ ऑफ 1 निकाल ले, कितना एफ ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का मॉड क्या हो जाएगा 2, तो बेटे ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3, कितना हो जाएगा माइनस 3। एफ ऑफ 2 पे निकालो, एफ ऑफ 2 पे निकाल बेटे, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 0 प्लस है, ये बता 2 माइनस 3 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 4 के बराबर है। उसके बाद एफ ऑफ 3 पे निकाल ले बेटे, एफ ऑफ 3 पे निकाल, एफ ऑफ 3 पे 3 माइनस 1 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस है, ये बता 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, बोल बेटे 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1। चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दे बेटे, यहाँ पे सुनना, अब इसका आराम से ग्राफ प्लॉट कर बढ़िया से, जितना अच्छे तरह से ग्राफ प्लॉट करेगा उतना ही तुम्हारा सवाल अच्छे तरह से सॉल्व होके आ जाएगा। चल बेटे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बराबर है ना, यहाँ पे देखो ये निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब एक काम करेगा, अब क्रिटिकल पॉइंट का सबसे छोटा वैल्यू 1 है, 1 से एक छोटा वैल्यू ले 0, तो बेटे अगर 0 लेते हो तो कितना मिलेगा, एक्स की जगह पे 0 तो ये हो जाएगा 3, एक्स की जगह पे 0 तो माइनस 2, तो 10 हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 प्लस है, ये हो जाएगा 3, तो ये बता बेटे 3 प्लस 3 कितना 6 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, माइनस ऑफ 4 बराबर है ना। उसके बाद ये बता एफ ऑफ, सुनना एफ ऑफ क्या निकाल, 3 से आगे 4 ले ले, 4 पे निकाल ले बेटे, 4 माइनस 1 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस है, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10, ये माइनस 10 प्लस है, 4 माइनस 3 बता बेटे 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, बोल रहे 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, तो बेटे यहाँ पे 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ओके चलो कोई बात नहीं, अब आराम से जरा देखो ध्यान से, कहीं पे भी अगर डाउट्स आएगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। वाई डैश, चल बेटे वाई पे कहाँ पे जा रहा है मैक्सिमम, 4 पे जा रहा है, तो चल बेटे 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। चल और y पे कहाँ पे जा रहा है, 0 1 2 3 4, देख बेटे 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, नीचे भी कितना रहा है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ओके तो ध्यान से देखना, अब क्या करो सुनो, अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दो, 1 पे कहाँ जा रहा है बेटे माइनस 3, देख यहाँ पे 1 पे कहाँ रहा है बेटे माइनस 3 पे, 1 पे कहाँ रहा है बेटे माइनस 3, ये वाला पॉइंट 1 पे कहाँ रहा है माइनस 3। उसके बाद 2 पे कहाँ जा रहा है बेटे 4 पे, देख बेटे ये 2 पे कहाँ जा रहा है 4 पे, 2 पे कहाँ जा रहा है 4, देखो 2 पे कहाँ जा रहा है बेटे 4 पे। ओके ये 2 पे आ गया 4 पे, ठीक है। उसके बाद देख बेटे 3 पे कहाँ जा रहा है 1 आ रहा है, 3 पे कहाँ रहा है यहाँ पे आ गया, 3 पे 1 पे आ गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला 3 पे 1 आ गया। 4 पे कहाँ जा रहा है 0, 4 पे आ गया 0, ये वाला। ओके
चल भैया अब क्या कर, उसके बाद देख, उसके बाद अब क्या करोगे, चार पे कहां आ गया बेटे, जीरो पे, यानी चार पे हमारा कहां मिल गया, जीरो। चलो ठीक है, अब क्या करो, इसको पहले ज्वाइन कर दो, यहां से पहले इस तरह से ले आ जाओ, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो सबको, ओके। उसके बाद यहां से इस तरह से आ गए, फिर भाई साहब यहां से इस तरह से आ गए, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्या किया, वन पे कितना मिला, माइनस थ्री, वन पे कितना मिला बेटे, माइनस थ्री। उसके बाद क्या किया हमने, तीन पे, तीन पे हमने क्या देखा बेटे, चार, तीन पे कहां पे चला गया, चार पे, देख बेटे। और x का वैल्यू जीरो लिए तो y का वैल्यू, x का वैल्यू जीरो पे y का वैल्यू कितना है, माइनस चार, तो x का वैल्यू जीरो पे y का वैल्यू माइनस चार, ये वाला। अब इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो, राइट। चलो ठीक हो गया, अब देखो, अब यहाँ पे भाई साहब जरा ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट को गौर से देखो, तो देखो इस वाले पॉइंट के पहले हमें देखो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है बेटे, ये देखो x इज इक्वल टू टू, ये वाला क्रिटिकल प्वाइंट के पहले और ये वाला क्रिटिकल प्वाइंट के आगे, देखो ना इस क्रिटिकल प्वाइंट के पहले वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बेटे ये वाला क्रिटिकल प्वाइंट पे हमें क्या मिलेगा, लोकल, बोलो ना लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पे सिर्फ लोकल मैक्सिमा ही मिलेगा। अब देखिए, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये वाला पॉइंट पे क्या होगा, तो बेटे ये वाला पॉइंट पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के आगे वैल्यू बढ़ रहा है, इस पॉइंट के आगे वैल्यू घट रहा है। तो देखिए, एक पॉइंट पे जब वैल्यू उसके पहले बढ़ रहा है और उसके पहले, सॉरी उसके आगे वैल्यू बढ़ रहा है, उसके पहले वैल्यू घट रहा है, तो बेटे हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। हमें ये देखना है कि उस पॉइंट के पहले और उस पॉइंट के आगे दोनों कंडीशन में वैल्यू या तो घटना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पॉइंट के पहले वैल्यू बढ़ रहा है, उस पॉइंट के पहले वैल्यू घट रहा है। तो देखिए, यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे घट रहा है, आगे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पीछे में घट रहा है, नहीं चलेगा। अब आइए यहां पे, अगर आप देखिएगा यहां पे, तो इस पॉइंट के आगे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के पीछे वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो बेटे यहां पे भी हम नहीं बता सकते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। तो यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ क्या प्राप्त होगा, लोकल मैक्सिमा, कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू टू पे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, देख बेटे यहां पे आप लिख सकते हैं, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो एक बार ध्यान से एकदम अच्छे तरह से कान खोल के सुन लीजिए कि जब भी आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ग्राफ में देखना है, तो देखिए कि उस पॉइंट के पहले आपका वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर उस पॉइंट के पहले वैल्यू घट रहा है, उस पॉइंट के आगे भी वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें क्या प्राप्त होगा, लोकल मैक्सिमा। और बेटे अगर क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा पहले और क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा बाद में अगर वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। लेकिन ये वाले क्रिटिकल पॉइंट पे देखिए, इस वाले क्रिटिकल पॉइंट के पहले वैल्यू क्या हो रहा है बेटे, बढ़ रहा है, और इस क्रिटिकल पॉइंट के आगे वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बेटे एक ही पॉइंट पे बढ़ना घटना ये नहीं बताएगा कि वो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, बात समझ आ रहा है। तो यहां पे सिर्फ एक ही मिलेगा लोकल मैक्सिमा, वो कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू टू पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, और देखिएगा ध्यान से, अगर डाउट्स होगा तो प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरह से क्लियर कर दूंगा। लेकिन बेटे ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखेगा, तीसरा नंबर सवाल लिखेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स माइनस वन माइनस चलिए अब निकालिए इसका, निकालिए सर लोग जल्दी से, देखिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए आप लोग अच्छे तरह से।
सबसे पहले देख बेटे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दूसरा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन। उसके बाद ये देखो मॉड, तो यहाँ पे एक्स माइनस टू का मॉड माइनस टू एक्स का मॉड इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देख बेटे एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू टू इन टू एक्स का मॉड, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा टू एक्स है। तो देख बेटे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू बोलना एक बार लेंगे प्लस ऑफ टू एक्स है, तो माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स है। तो ये आ गया एक्स का ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया माइनस टू। अब बेटे यहाँ पे ये बता एक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना माइनस ऑफ टू एक्स है। अब एक काम करेगा टू इधर को इधर लेके आ जाओ, तो एक्स प्लस कितना टू एक्स इज इक्वल टू टू यानी थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू बाई थ्री। तो बेटे टोटल क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए एक्स इज इक्वल टू बोल बेटे जीरो आ गया, वन आ गया, उसके बाद कितना आ गया माइनस टू आ गया, और कितना गया टू बाई थ्री आ गया। चल बेटे ये सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल आराम से बारी बारी से, एफ ऑफ जीरो पे निकाल एक्स के जगह पे जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन का मॉड क्या हो जाएगा बेटे वन प्लस नहीं माइनस। अब ये बता जीरो माइनस टू माइनस टू, माइनस टू का मॉड कितना हो जाएगा टू माइनस कितना हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू वन माइनस टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन। चल बेटे अब क्या कर वन पे निकाल ले एफ ऑफ वन निकाल यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस जीरो माइनस कितना हो जाएगा वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन का मॉड कितना हो जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा टू। तो बेटे ये बताओ वन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। चल बेटे एफ ऑफ माइनस टू पे निकाल, एफ ऑफ माइनस टू पे निकाल जल्दी से, एफ ऑफ माइनस टू पे निकाल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दो प्लस दो माइनस एक कितना हो जाएगा एक, उसके बाद माइनस है दो माइनस दो क्या हो जाएगा जीरो, माइनस है दो इंटू दो कितना हो जाएगा चार। तो बेटे ये बता दे ये हो जाएगा तीन माइनस चार इज इक्वल टू माइनस वन। अब आ जा बेटे एफ ऑफ सुनना एफ ऑफ क्या निकाल टू बाई थ्री पे, एफ ऑफ टू बाई थ्री पे निकाल बेटे ये हो जाएगा टू बाई थ्री, ये हो जाएगा टू बाई थ्री, उसके बाद देखे यहाँ पे टू बाई थ्री माइनस वन, तो बेटे टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, इसका मतलब प्लस वन बाई थ्री माइनस है ये बता टू बाई थ्री माइनस टू, तो यहाँ पे बता टू बाई थ्री माइनस टू तो सिक्स है, तो टू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री, तो सिंपल इसको लिखेंगे फोर बाई थ्री। और बेटे यहाँ पे माइनस ऑफ कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री, ये भी दोनों कट जाएगा क्योंकि एक्स के यहाँ पे टू बाई थ्री टू इंटू टू फोर बाई थ्री ये दोनों कट जाएगा, तो बेटे ये हो जाएगा थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू वन। ओके अब आ जा सारा तो निकल गया, अब इससे छोटा माइनस टू से छोटा माइनस थ्री पे निकाल ले, तो माइनस थ्री पे कितना हो जाएगा बोल बेटे ये हो जाएगा तीन प्लस ये देखो माइनस तीन माइनस वन कितना हो जाएगा चार, उसके बाद माइनस माइनस तीन माइनस दो माइनस पांच, तो ये हो जाएगा पांच और माइनस छ राइट ना, तो बेटे ये हो जाएगा सात माइनस कितना हो जाएगा एक इज इक्वल टू छ। अब बेटे चलो अब बड़ा वैल्यू कौन है वन ना, वन से बड़ा वैल्यू लो टू ले लो, वन से बड़ा वैल्यू टू ले लो, तो एफ ऑफ टू पे निकाल लो कितना हो जाएगा देख बेटे यहाँ पे अब क्या करोगे जल्दी बता दो यहाँ पे ओ कहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माइनस टू पे देख बेटे माइनस टू पे ये टू हो गया माइनस टू माइनस वन ये हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ये आपका थ्री हो जाएगा और उसके बाद माइनस टू माइनस फोर, तो बेटे ये आपका माइनस फोर यानी प्लस फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर यानी ये दोनों कट जाएगा जीरो आ जाएगा, तो बेटे तीन प्लस दो ये हो जाएगा पांच, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा पांच के बराबर राइट ना, क्योंकि दो प्लस तीन पांच ये हो जाएगा जीरो। ओके चलिए अब टू पे निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा टू पे कितना हो जाएगा दो प्लस कितना एक माइनस, अब ये बता बेटे यहाँ पे दो माइनस दो कितना हो जाएगा जीरो, इसके बाद देख बेटे ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो माइनस कितना हो जाएगा बता यहाँ पे माइनस ऑफ चार, तो यहाँ पे देखो तीन माइनस चार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन राइट। चलो अब एक बार सब वैल्यू चेक कर लेना, ये देखो ये वाला वैल्यू सब चेक कर लेना जीरो पे वन पे माइनस टू पे, तो देख यहाँ पे जीरो पे ये जीरो हो गया यहाँ पे जीरो, उसके बाद जीरो माइनस वन तो मॉड के अंदर माइनस वन का मतलब प्लस वन, उसके बाद देख बेटे यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा जीरो, तो बेटे ये हो जाएगा माइनस टू का मॉड कितना प्लस टू, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू माइनस वन, वन पे निकाल लेंगे तो वन ये हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, अंदर में कितना वन माइनस टू माइनस वन का मॉड कितना हो जाएगा बेटे प्लस वन,
और बेटे ये कितना जाएगा माइनस टू, राइट ना। तो वन हो गया, उसके बाद जीरो, वन माइनस टू कितना जाएगा माइनस वन, माइनस वन का मोड प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन जीरो, माइनस टू पे निकाल ले तो ये हो जाएगा टू माइनस वन माइनस थ्री, तो टू प्लस थ्री हो जाएगा, उसके बाद माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा, और बेटे दो इंटू दो ये क्या हो जाएगा चार, तो ये चार माइनस चार जीरो, ये हो जाएगा पांच, उसके बाद सब चेक कर लेना। चलो अब देख बेटे, अब यहाँ पे आराम से तुम वैल्यू सबका डाल के यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दो। चलो आराम से, चल बेटे आराम से डायग्राम को ड्रॉ करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से प्लॉट करना। सुन यहाँ पे ये देख लेना अच्छे तरह से, कहीं पे भी अगर डाउट्स होगा तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन डायग्राम अच्छे तरह से ड्रॉ कीजिएगा। चलो देखो कहाँ गया x पे, कहाँ गया बेटे माइनस थ्री तक आया है, तो इधर में देखो ये ले लेते हैं, सुनो ना माइनस वन माइनस टू उसके बाद माइनस थ्री, देख बेटे उसके बाद इधर ले लो एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, इसके बाद चार, इधर में बेटे एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पांच, राइट है। अब चल बेटे इधर क्या हो जाएगा माइनस वन, उसके बाद ले लो यहाँ पे माइनस टू, नीचे में ले लो माइनस थ्री। चलो अब एक करके देख, x का वैल्यू जीरो पे, y का वैल्यू माइनस वन, x का वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना रहा है माइनस वन। चल बेटे ये वाला पॉइंट को होल कर दे, अब बेटे x का वैल्यू वन तो y का वैल्यू कितना रहा है जीरो, x का वैल्यू वन तो y का वैल्यू जीरो, ये वाला पॉइंट, चलो ठीक है। अब उसके बाद देख बेटे x का वैल्यू माइनस टू तो y का वैल्यू कितना रहा पांच, x का वैल्यू माइनस टू तो y का वैल्यू कितना रहा बेटे पांच, देख यहाँ पे चल राइट ये हो गया। उसके बाद देखो टू बाई थ्री, एक्स का वैल्यू टू बाई थ्री, एक्स का वैल्यू टू बाई थ्री पे वाई का वैल्यू कितना रहा बेटे वन, एक्स का वैल्यू टू बाई थ्री पे वाई का वैल्यू कितना रहा वन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब बेटे माइनस थ्री, एक्स का वैल्यू कितना लिया है माइनस थ्री तो वाई का वैल्यू कितना रहा सिक्स है, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री पे वाई का वैल्यू कितना रहा सिक्स है, चलो राइट हो गया। और बेटे दो पे कितना रहा माइनस वन, एक्स का वैल्यू दो लिए हैं तो वाई का वैल्यू कितना रहा बेटे माइनस वन, चलो राइट हो गया। तो अब क्या करोगे यहां से पहले इस तरह से आ जाओ, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया यहाँ पे, इसको यहां से लेकर सॉरी थोड़ा सा अच्छे तरह से डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा मजा आ जाएगा। जीरो पे के पास आ जाइए, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट पे आ जाइए, फिर यहां पे आ जाइए, फिर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, राइट। अब चलिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखिएगा ध्यान से। चल भैया ये वाला पॉइंट पे इस तरह से क्या कर बेटे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चल अब चेक कर, अब ये बता इस पॉइंट के आगे वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, इस पॉइंट के पहले भी वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 बाई थ्री पे, सुना ये 2 बाई थ्री पे बेटे इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा लोकल, बोल बेटे लोकल मैक्सिमा, ये आपको मिल जाएगा लोकल मैक्सिमा। और देख बेटे इस पॉइंट के पहले, इस पॉइंट के पहले वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इस पॉइंट के आगे वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो बेटे ये देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है जीरो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है टू बाई थ्री, तो बेटे x इज इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा, x इज इक्वल टू टू बाई थ्री पे लोकल मैक्सिमा। अच्छा ये बताओ यहाँ पे बेटे x इज इक्वल टू वन के पहले, देखो x इज इक्वल टू वन के पहले अगर तुम देखोगे गौर से देखो यहाँ पे ये वाला कौन सा वैल्यू x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन के पहले वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन x के आगे वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, तो पहले बढ़ रहा है बाद में घट रहा है, पहले बढ़ रहा है बाद में घट रहा है, नहीं बेटे अगर बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए आगे पीछे दोनों जगह पे, ऐसा नहीं पहले बढ़ेगा फिर आगे घटेगा नहीं बोल सकते हैं।
अब आ जा इस वाले पॉइंट पे देख ले रहे नमूनों, इस वाले पॉइंट के, इस पॉइंट के पहले वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है और इस पॉइंट के आगे वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। नहीं, हमें क्या होना चाहिए, हमें या तो दोनों तरफ बढ़ना चाहिए या तो दोनों तरफ घटना चाहिए, तभी हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा डिसाइड करेंगे। तो बेटे यहाँ पे 2/3 पे क्या मिल रहा है लोकल मैक्सिमा, और जीरो पे देखना यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो पे हमें क्या मिल रहा है लोकल मिनिमा। तो चल बेटे यहाँ पे अब इसका हम क्या करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू लिख देंगे। तो जल्दी से बता दे बेटे लोकल, देखें यहाँ पे लोकल मैक्सिमा की बात करें, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे 2/3 पे 2/3, और बेटे लोकल मिनिमा की बात करें लोकल मिनिमा तो बेटे एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, बराबर है ना। तो ये आपका लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 पे, ये देखना बेटे ये 2/3 का भाई एक्स के कौन से वैल्यू के ऊपर 2/3 के ऊपर, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है बेटे जीरो, बराबर है ना। ये ग्राफ को गौर से देखना बढ़िया से, ये अच्छे तरह से प्लॉट करना भैया, नहीं तो सब कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है लोकल मिनिमा, एक्स इज इक्वल टू 2/3 पे लोकल मैक्सिमा। तो बेटे इस टाइप के सवाल जो है अक्सर आपको JEE में पूछे जाएंगे, वो JEE मेंस हो या एडवांस हो, हर जगह पे इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ज्यादातर आपको एडवांस में, मेंस में तो बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन एडवांस में ऐसे सवाल बहुत ही पूछे जाएंगे। देखिए अब ये इस टाइप के सवाल जो है और भी आपको पूछे जाएंगे डिफरेंसिबिलिटी में, तो वहां पे पूछता है कि कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंसिएबल है, कौन कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंसिएबल है, तो वहां पे डिफरेंसिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, कैसे ग्राफ के द्वारा, यानी ग्राफ प्लॉट करके आप डिफरेंसिबिलिटी भी क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये टॉपिक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और अभी मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, वो होमवर्क आप लोग प्लीज उसको घर पे अच्छे तरह से बैठ के सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए गुड लक।